हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान करे हमेशा आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। तो ये वीडियो आ गया है, हम लोग जा रहे हैं घूमने। हमारे सूरत शहर में ही है, ये बाहर नहीं है, सूरत में ही है, थोड़ा आगे है, बॉर्डर पे है। बहुत ही अच्छी जगह है, हम लोग जा रहे हैं देखने झरना। तो ये रास्ते का व्यू है जो कि बहुत ही अच्छे व्यू थे, तो मैंने इसे कैप्चर कर लिया। मैंने कहा आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि हरियाली देखने से आंखों को बड़ा सुकून मिलता है, दिल को बड़ा राहत मिलता है, दिमाग जो है वो ठंडा होता है। तो हरियाली देखना चाहिए, हरियाली देखने जाना चाहिए। हमें बीच बीच में अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए जाते रहना चाहिए ऐसी जगह जहाँ पर हरियाली ज़्यादा हो। तो यहाँ पे सेम वही था, हरियाली बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छा लगा। और फैमिली के साथ जाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैं थी, मम्मी थी, भाभी थी, भैया थे और चारों बच्चे थे, भैया के 2 बच्चे, मेरे 2 बच्चे। और बहुत ही इंजॉय किया। मेरे पापा को तो कहीं आना जाना पसंद नहीं है, वो कहीं नहीं आ जा कहीं भी नहीं जाते हैं वो। और ये देखिए रास्ता कितना प्यारा रास्ता है। तो पापा तो नहीं गए थे, बाकी हम लोग गए थे और बहुत ही मज़ा आया था, बहुत ही इंजॉय किया। और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपको बाद में मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाता वीडियो। तो ये तो सिर्फ रास्ते का व्यू है और थोड़ा आगे है वीडियो जहाँ पे हम पहुँचे थे वहाँ का, और ये रास्ते का व्यू है। तो आप इंजॉय करिए इसे और अपना ढेर सारा प्यार भी दीजिएगा फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है। ये देखिए ये नदी थी, ताप्ती नदी। यहाँ पे थोड़ा स्लो करके मैं आपको दिखा रही हूँ, ताप्ती नदी है हमारी सूरत की। हम लोग यहाँ उतरे तो नहीं थे, बस रास्ते में ही दिखा तो मैंने कैप्चर कर लिया। यहाँ का भी सीन बहुत ही अच्छा था, ये देखिए। और पानी अच्छा खासा था वहाँ पे, पानी पूरा था। तो फ्रेंड प्लीज़, जो भी मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं तो मैं उनको तो दिल से थैंक यू बोलती हूँ जो मुझसे जुड़े हुए हैं, और मैं बस उनको मैं थैंक यू बोलूँगी। ये देखिए गांव का एरिया है, रास्ते में जो गांव का एरिया पड़ता है। तो यहाँ इस गांव से हमने एक अंकल को भी साथ में लिया था, क्योंकि वो रास्ता बहुत ही डेंजर था जहाँ हमें जाना था। तो एक अंकल को भी हमने साथ में ले लिया था ताकि वो हमें गाइड करते रहें। ये देखिए यहाँ पे तो कोई भी बॉर्डर नहीं था, यहाँ पे बच्चा हमारा भतीजा मेरा तो बहुत डर रहा था, हम लोग भी डर रहे थे, क्योंकि कोई भी सेफ्टी का कुछ भी नहीं था। छोटा सा पुल था ये जो हमें क्रॉस करना था। ये नदी है, दिखने में तो नहीं लग रहा बट ये नदी है। हरियाली तो बहुत ही अच्छी थी पूरे रास्ते में। वैसे हमारे सूरत में हरियाली बहुत अच्छी है, अगर सिटी से थोड़ा भी बाहर आप निकलते हो ना तो यहाँ पे बहुत हरियाली देखने को मिलती है। बहुत ही अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पे, थोड़ी दूर दूर पे तो बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पे। सिटी से बाहर निकलो तो बस आपको हरियाली, हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ भी बहुत ही हरियाली है, थोड़ा गाँव एरिया पड़ता है ये। थोड़ा सा बाहर जाओगे ना तो यहाँ पे खरवासा गाँव पड़ जाता है, तो 10-15 मिनट आप दो और आगे जाके आराम से डेली आप हरियाली देख सकते हो, इतना अच्छा है। कुछ शहर हैं जैसे कि मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, यहाँ पे हरियाली पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई है, बट यहाँ की हरियाली अभी भी है। वैसे हमेशा एक पेड़ हर जगह लगाना चाहिए, अपने घर के पास कहीं हम जा रहे हैं तो पेड़ पौधे तो लगाते रहने चाहिए। हरियाली बिल्कुल भी हमें ख़त्म नहीं करनी चाहिए। तो ये जो जगह आप देख रहे हो ना, बहुत ही ख़तरनाक जगह थी, यहीं पे हमारी गाड़ी भी ख़राब हो गई। और ये देखिए कितनी गहरी खाई है, वो तो अच्छा था हमने साथ में एक अंकल को ले लिया था गांव से। ये है, यही है वो अंकल, गाइड कर रहे थे हम लोग को, तो वो थे तो थोड़ा अच्छा लग रहा था। तो देखिए आगे वीडियो आप लोग वॉच करिए। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जो है बहुत दूर झरना देखने आए थे और हमारी गाड़ी यहाँ पे गर्म होकर ख़राब हो गई है और हम भी जंगल में फंस चुके हैं। वहाँ पे गाड़ी है हमारी और यहाँ पे हमें आसपास कोई साधन नहीं दिख रहा है कि हम कोई इस गाड़ी वगैरह कर ले, कुछ नहीं समझ में आ रहा। अब यहाँ पे हम खड़े हैं, देखिए क्या होता है। हट जाओ। भगवान है प्रभु।
तो हमारी गाड़ी तो वहाँ ठीक हो गई थी, थोड़ा पानी डाला और हम लोग थोड़ी दूर पैदल चल के गए। भैया गाड़ी वो जो चढ़ान थी वहाँ पे, वो अकेली गाड़ी लेके गए, तो 5-10 मिनट हम पैदल चल के गए थे। और ये आ गए हैं, यहाँ से गाड़ी से नहीं जा सकते, इसके आगे 1 किलोमीटर और आगे हमें जाना है। और काफ़ी ढलान था, ऐसे लग रहा था कि बस भाग रहे हैं, बहुत ही ढलान था। तो ये भैया आप लोग से हाई कर रहे कैसा लग हैं। रहा है यहाँ पे? बहुत ही अमेजिंग। और हम लोग जा रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे गांव के एक थे, वो हमारी हेल्प करने के लिए हमारे साथ आ गए हैं और उन्होंने कुंज को गोदी भी लिया है। देखिए आप लोग कितनी खतरनाक जगह है, अच्छी तो है ही और खतरनाक भी है। और ये पूरा ढलान में है, बच्चों को लेके उतरना थोड़ा रिस्की है। और आगे मेरी मम्मी है और मैं बाबू को लेके बहुत ज्यादा थक गई हूँ फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा। और यहाँ पे हमें मिल गए बाइक वाले भैया, मतलब ये यहीं पे यहीं के हैं ये, और इन लोग लेके पहुँचाते हैं। 100 रुपीज़ लेते हैं वहाँ तक ले जाने के लिए, एक जन का, 1 ही किलोमीटर का, और पहुँचा देते हैं। यहाँ से ऐसे नीचे जाना है और वहाँ सामने आप देखो पानी का झरना जो है, रुकिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। आप लोग देख पा रहे हो बहुत ही खूबसूरत नजारा है। और हम लोग को ऊपर से है ना वहां से बाइक करके आना पड़ा है, वो लोग बाइक वाले जो गांव वाले हैं ना यहाँ के, वो बाइक से लग के छोड़ देते हैं यहाँ नीचे, क्योंकि नीचे तक 1 किलोमीटर है वहां से जहाँ पे आप गाड़ी अपनी खड़ी करते हो, पार्क करते हो, वहां से 1 किलोमीटर है। देखिए कितना खूबसूरत नजारा है, देखिए कितना खूबसूरत नजारा, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजारा। हम लोग भैया का ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ। अगर चैनल का सब वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो मिल नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, पार्ट 2। बाय बाय।